नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस के इंटरव्यू में। साथियों लगातार बहुत सारे साथी एसटीईटी रिजल्ट को लेकर के, एसटीईटी नई नोटिफिकेशन को लेकर के, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरडी 3.0 से संबंधित जो प्रश्नों पर चैलेंज करना है, कुछ प्रश्नों को जो डिलीट कर दिया गया है, साथ ही साथ उसके परिणाम को लेकर के और बीपीएससी टीआरडी 4.0 के नोटिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे मित्र हमारे साथी हमारे चिंतित है। निश्चित रूप से चिंता का विषय भी है कि अब जो है टीआरडी 3 में इतना विलंब हो रहा है, अब चुनाव से पहले ही जो होगा सो होगा, टीआरडी 4.0 लानी है और सरकार यहां तक कह चुकी है शिक्षा विभाग की टीआरडी 5.0 भी हम ला रहे हैं। साथ ही साथ बैकलॉग वैकेंसी की क्या स्थिति है, इन तमाम मुद्दों पर हम आपसे हमेशा रूबरू नहीं हो पाते हैं, लेकिन आप लोगों का जो कमेंट था, जो आप लोगों का कॉल था, उन सब का जो है समेकन, आज चूंकि संडे है, हमने सोचा कि आप लोगों तक पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो तमाम साथियों तक एक बार दबा करके शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एसटीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीआरडी 4.0 की तैयारी कर रहे हो, सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए नीचे दो नंबर आपका चल रहा है, किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात बारी बारी से करेंगे सर। सबसे पहला बात तो यही आ जाता है कि आपका एसटीईटी का जो है रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए एसटीईटी रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट आपका चूंकि 3 से 4 महीने हो गए हैं, लोग निश्चित रूप से परेशान है कि भाई 3 से 4 महीने परीक्षा का हो गया। पीछे आप देखे होंगे कि जो इससे पहले एसटीईटी हुआ था उसमें फॉर्म भराने का डेट खत्म नहीं हुआ, एग्जामिनेशन शुरू हो गई, एग्जामिनेशन खत्म नहीं हुआ, तुरंत रिजल्ट आ गया था। लेकिन इस बार इतना विलंब क्यों हो रहा? इस बार विलंब होने का मूल वजह है टीआरडी 3 का रिजल्ट। टीआरडी 3 का रिजल्ट अगर आ जाता है, अब उसकी जो बहाली की प्रक्रिया आगे की ओर होगी, और टीआरडी 3 के रिजल्ट से पहले अगर एसटीईटी का रिजल्ट आ जाता है, एसटीईटी के रिजल्ट वाले जितने भी छात्र होंगे वो तुरंत टीआरडी 4 की मांग करेंगे, टीआरडी 4 पर दबाव बनाएंगे कि हमें टीआरडी 4 जल्द से जल्द चाहिए। टीआरडी 4 जल्द से जल्द उसका जो दबाव सरकार के ऊपर पड़ेगा या शिक्षा विभाग के ऊपर पड़ेगा या बीपीएससी के ऊपर पड़ेगा, इससे बचने के लिए जो है एसटीईटी के रिजल्ट में थोड़ा सा आपको विलंब किया हुआ है। अब एसटीईटी का रिजल्ट जो है ये इसी वजह से मूल रूप से विलंब है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि एसटीईटी का रिजल्ट आपको बहुत जल्द, हमें लगता है इस माह के अंत तक आपका रिजल्ट अब जो है आ जाएगा। लेकिन ये टीआरडी 3.0 जो है इसको रोक करके रखा, टीआरडी 3.0 की वजह से ही ये प्रभावित हुआ है। और टीआरडी 3.0 आप जानते हैं कि जाति जो है वो आपका जो दास लोग थे उनको जो ईबीसी के अंदर डाला गया है, जो एससी से उठा करके ईबीसी के अंदर डाला गया है, इस वजह से टीआरडी 3.0 आपका लटका हुआ है। टीआरडी 3.0 का रिजल्ट जो है बहुत ही जल्द आ जाएगा, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वही बात करेंगे एसटीईटी नोटिफिकेशन के बारे में। तो एसटीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो पूर्व में आप जानते हैं कि आनंद किशोर जी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष थे, तो उन्होंने जो है आपको मैसेज किया था या उन्होंने जानकारी दी थी कि अब हम साल में 2 बार जो है एसटीईटी का एग्जाम कंडक्ट करेंगे, क्योंकि ये रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे कि सीटेट वगैरह ये जो है रेगुलर चलता है, तो उसी तरह से रेगुलर हम लेते रहेंगे। तो इसका जो है जो नए नए साथी जो बीएड किए हैं वो लोग जो है एसटीईटी के अंदर पूर्व में नहीं बैठे थे, तो उन लोगों को जो है बैठने की इसमें अनुमति मिलेगी। तो ये लोग जो है, चूंकि जब एसटीईटी होगा तभी जाकर के टीआरडी 4 में बैठ पाएंगे, लेकिन जहां तक हमें लग रहा है इस बार का जो एसटीईटी होगा ये और टीआरडी 4 का नोटिफिकेशन बस आस पास ही रहने वाला है। तो जब टीआरडी 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और एसटीईटी का नोटिफिकेशन उससे थोड़ा ही पहले अगर आ भी जाता है, तो जो इनका जब तक रिजल्ट नहीं होगा तब तक वो जो है टीआरडी 4 में बैठ नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है एसटीईटी में अब जो नोटिफिकेशन आने वाला है ये लगभग टीआरडी 5 के अंदर जब जाएंगे, टीआरडी 5 जब आएगा तो उसमें जो इनको मौका मिलेगा। 4.0 में संभावनाएं कम दिखाई दे रहा है, लेकिन टीआरडी 5.0 भी आएगा, इसलिए आएगा कि आगे 2025 के अंदर चुनाव है। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि 2025 का जब चुनाव हो जाएगा तो 3-4 साल तो हमें लगता है, कम से कम 5 साल, हो सकता है 5-7 साल भी हो सकता है, शिक्षकों की बहाली आए ही ना। कहेगा कैसे नहीं आएगा, क्योंकि आप धरातल पर वस्तु स्थिति को यदि आप देखेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा, जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है जो आरटीई एक्ट के अनुसार, जो हमारा आपका 35:1 कहता है और 30:1 कहता है, तो वो जो रेशियो है उसका एकदम पूरा का पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, आप ठीक से जाकर के देखिए हर एक जगह पर आपका बैकलॉग वैकेंसी कहां बनता है, 1-5 में बनता नहीं है, 6-8 के अंदर बनता नहीं है, 9-10 और 11-12 में वो विषय के वजह से, विषय कॉम्बिनेशन के वजह से जो है बैकलॉग वैकेंसियां रह जाती है, लेकिन इसके नीचे तो बनता नहीं है। तो यहां पर तो पूरे के पूरे 1-5 और 6-8 के अंदर लगभग जो है, 6-8 में अभी तक पूरा नहीं फिलफिल हुआ है, क्योंकि 6-8 की बहाली सही ढंग से आई नहीं थी। अब 6-8 की बहाली जो है थोड़ा सा आपको ये टीआरडी 3 के अंदर आएगा, तो हमें लगता है टीआरडी 3 के अंदर जब हो रहा है, ये जो संपन्न हो जाएगा, तो हमें लगता है लगभग सभी विद्यालयों के अंदर 6-8 के अंदर भी शिक्षक जो है लगभग एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखने वाली बात है टीआरडी 5.0 भी आएगा, निश्चित रूप से आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। अब देखिए इतनी बहाली कैसे आएगा इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी देंगे। ठीक है, अब देखिए
जो हमारे साथी जो एसटीयूटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम आपको बता दें कि आप एसटीयूटी के लिए आप रुकिए नहीं, तैयारी में लगे रहिए। इसलिए लग जाइए कि आप जान रहे हैं कि टीआरई 1 कैसे हुआ, 2 कैसे हुआ, 3 कैसे हुआ है। एकदम समय नहीं मिलता है, तुरंत तुरंत आपको जब आ जाएगा टीआरई 4 तो तुरंत आपका फॉर्म भराएगा और तुरंत जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। वैसे एसटीयूटी आएगा तुरंत आएगा और तुरंत आपका एसटीयूटी के अंदर आपका विषयगत एग्जाम होता है, विषय से रिलेटेड एग्जाम होता है आप जानते हैं, और विषयगत एग्जाम जो होता है उसके लिए आप नोट्स ले सकते हैं 8227871973 पर आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए और यहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और आप चाहें तो क्लास भी ले सकते हैं, आप यहां पे संपर्क कर लीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए स्पेशल बना हुआ है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहे किसी भी विषय को हो, 9-10 के लिए, 11-12 के लिए, आप यहां पे सक्सेस की 92 के बैनर तले आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करेंगे देखिए आगे, दूसरा बिंदु हमारा आ जाता है TRE 3.0। देखिए TRE 3.0 में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसको चैलेंज करने की आवश्यकता है। जैसे कि आप गणित के अंदर देखें तो 3-4 प्रश्न है, विज्ञान के अंदर भी 2 या 3 प्रश्न है आपको, ठीक है। हर एक एग्जाम, हर एक विषय में 3-4 प्रश्नों का जो है लगभग एवरेज आप देखिए तो चैलेंज करने वाले हैं। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसको डिलीट कर दिया गया है, जो एकदम बिल्कुल सब कुछ सही था, आंसर भी सही था, उसके अंदर लोग लगाए भी सही थे, उसके बाद भी डिलीट कर दिया गया। और आप जानते हैं कि कभी कभी ये हुआ है, टीआरई 1 के अंदर देखे होंगे, टीआरई 2 के अंदर भी देखे होंगे कि जिनका मार्क्स जो है टीआरई 2 के अंदर तो आपको दिया ही नहीं था, दोबारा जो है सो रिजल्ट दिया ही नहीं, जो बचे हुए लोग थे जिनका जो सेम नंबर पर रह गया था उन लोगों का दिया ही नहीं। लेकिन टीआरई 1 के अंदर जो है आप देखे होंगे कि वैसे लोग जो जिनका सेम नंबर था उनको बाद में जो है लगभग 2000 के आसपास, 1900 के आसपास शिक्षकों का भर्ती दोबारा करवाया गया था उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीजें हुई थी, लेकिन टीआरई 2 के अंदर नहीं हुआ था। तो यहां पर एक एक नंबर मायने रखता है, डू एंड डाई का पोजीशन होता है। किसी का देखिए 78 पर सिलेक्शन होना है, 78 मार्क्स पर सिलेक्शन होना है, और 78 पर ही आधे लोग 78 वाले चले गए और आधे लोग 78 वाले बच गए। अब बताइए उनकी क्या गलतियां थी। यहां पर उम्र को लिया जाता है, यहां पर जो है अल्फाबेट को लिया जाता है, इन सब चीजों को लेकर के रजिस्ट किया जाता है। तो ये जो है बहुत बड़ा जो है विसंगति है, इस पर चैलेंज आप लोग निश्चित रूप से कर रहे होंगे। जहां दिक्कत होगा आप हमें व्हाट्सएप जरूर करिएगा, नंबर आपको हमने दिया है, नंबर आपका हम दूसरा नंबर दे देते हैं, जैसे कि 8969094103 पर आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। और जो भी जानकारी इससे संबंधित आपको चैलेंज से संबंधित होगा आप मैसेज कर लीजिएगा, आपको चैलेंज से संबंधित जानकारी वहां पर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए परिणाम की बात जहां तक करते हैं, रिजल्ट की बात हम लोग करते हैं, तो रिजल्ट जो है बस इसमें विलंब ज्यादा नहीं होने वाला है, इसलिए नहीं होगा कि ये जो है आपका अति पिछड़ा और जो एससी वाला मामला था, ये जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया 23 तारीख को संपन्न हो जाएगी उसके जस्ट बाद हमें लगता है 25, 27, 28, 29, 30 लेटेस्ट 30 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। बारी बारी से रिजल्ट आएगा, आप जानते हैं पहले 1, 2, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से आपका रिजल्ट आता रहता है। तो रिजल्ट जो है आपका इसी माह में आना है। अब बैकलॉग वैकेंसी की बात जहां तक करते हैं, देखिए बैकलॉग वैकेंसी में क्या होता है, यही तो खेला है जो आपने देखा होगा कई जगहों पर लगातार जो है ये चीजें कही गई है कि टीआरई 1 टीआरई 2 के अंदर का जो बैकलॉग वैकेंसी है, जो यानी कि बैकलॉग मतलब जो खाली रिक्त रह गया रिक्ति, उस रिक्ति को भी इसमें ऐड कर दिया जाए। और इसमें अगर रिक्ति में ऐड कर दिया जाता है और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर दिया जाता है तब तो एकदम हो जाता है, एकदम हमें लगता है कि दोबारा टीआरई 4 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टीआरई 5 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी संख्या में शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन आगे टीआरई 4 लाना है, टीआरई 5 लाना है, क्योंकि इससे पहले ही सूचना आपको दे दी जा चुकी है। इसलिए बैकलॉग की जहां तक बातें हैं ये एकदम बिल्कुल निराधार है। आप देखेंगे टीआरई 2 के अंदर भी कहा गया था कि बैकलॉग 1 वाला जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ा नहीं गया था। टीआरई 3 के अंदर भी यही कहा गया बैकलॉग जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ा नहीं जाएगा, इस बात को एकदम ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए नहीं जोड़ा जाएगा कि आगे टीआरई 4 लानी है, जब पूरा पूरा भर ही जाएगा सीट बचेगा ही नहीं, तो वहां कहां से मतलब लोग भरेंगे। तो इसलिए ये बचाया जाता है, और कम से कम अपना बहवाही भी तो होगा कि हमने इतनी बहाली किया नहीं, दिखाने के लिए। जैसे 1,60,000 का आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था कि 1,60,000 न्यू वैकेंसी शिक्षकों की हम दे रहे हैं टीआरई 4 के अंदर, नहीं आपने देखा होगा निश्चित रूप से। ये बैकलॉग वैकेंसी जो होता है टीआरई 1 के अंदर भी हमें लगता है कम से कम होगा तो लगभग 25-30,000 तो होगा ही होगा, टीआरई 2 के अंदर भी 25-30,000 बच गया, फिर टीआरई 3 के अंदर भी आपको 25-30,000 बचेगा। एवरेज देखिएगा इसी में मिला करके लगभग 25-30 का एवरेज लगभग बच ही जाता है, और ये एवरेज जो है आपका लगभग कितना हो जाएगा 70-75 हजार वैकेंसी यहाँ पर टीआरई 4 के लिए ये जनरेट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद टीआरई 4 के लिए अलग से भी 25-30 हजार होगा, मतलब कम से कम तो 1,10,000-15,000-20,000-30,000 इसके आसपास तो वैकेंसी 1 लाख प्लस ही वैकेंसी आनी है, ठीक है। तो 1 लाख प्लस वैकेंसी आएगा तो उसमें भी फिर बचेगा 20-30% तो बच ही जाता है आप जान रहे हैं, और 20-30% जो बचेंगे कुछ फर्जी हैं कुछ इन सब चीजों को हटाने के बाद
फिर जो है वह 25-30 हजार वो हो जाएगा, फिर 10-20 हजार एक्स्ट्रा एड करके और जो है 40-50 हजार के आसपास वैकेंसी टीआरई 4 के लिए भी आ जाएगा। तो आप टीआरई 3 के अंदर अगर आप तैयारी करना, टीआरई 4 के अंदर अगर तैयारी करना चाहते हैं, टीआरई 3 में आप देख रहे हैं कि लगभग कट ऑफ जो आप एनालिसिस करके आपको बताया जा रहा है उन कट ऑफ से आप पार हैं, 3-4-5 अंक ज्यादा में आपका आ रहा है, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लगभग आपका सिलेक्शन हो जाना है। लेकिन वहीं पर जहां एवरेज कट ऑफ जो है टीआरई 2 के अंदर का कट ऑफ देखिए, टीआरई 3 का कट ऑफ देखिए, जो सारे लोगों का एनालिसिस आपने देखा होगा, उस कट ऑफ को एवरेज आप मिला करके देखिए, उससे आप थोड़ा सा ऊपर है तो निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा टीआरई 4 के लिए भी आप तैयारी करते रहिए। अब बात करते हैं टीआरई 4 की वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए टीआरई 4 के लिए अगर बात कर लें तो टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है ये टीआरई 3 के रिजल्ट के बाद आएगा। अब देखिए रिजल्ट से ही काम चल जाएगा, क्या बताइए, रिजल्ट होगा पहले, रिजल्ट के बाद क्या होगा, इनकी बहाली होगी। बहाली के लिए भी हमें लगता है कम से कम तो 1-1.5 महीना का तो समय लग ही जाना है, लग जाना कि नहीं लगना है। 1-1.5 महीना का समय का तात्पर्य यह हो जाता है कि लगभग अगर 30 सितंबर तक रिजल्ट आ जाता है तो अक्टूबर से लेकर के आधे नवंबर तक तो बहाली होगी, कम से कम तो 15 नवंबर तक बहाली होगी। अब 15 नवंबर तक अगर बहाली होती है तो 15 नवंबर के बाद सीटों का गणना किया जाएगा कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया और कितने लोग जो है नहीं ज्वाइन किए। तो 15 नवंबर के बाद अगर ज्वाइन करने और ज्वाइन न करने की बात आती है तो हमें लगता है कम से कम 2-4 दिन 5 दिन तो उसके अंदर भी लग जाएंगे। तो यानी कि आपका लास्ट नवंबर तक हमें लगता है 20 से 25 नवंबर तक आपका वैकेंसी देखने को मिल सकता है। ये कि अनुमान है, एक ये क्या है, एक अनुमान आप लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक बहाली पूर्ण नहीं होगी तब तक सीटों का आंकड़ा नहीं लगेगा और जब तक सीटों का आंकड़ा नहीं लगेगा तब तक वैकेंसी आपके पास आएगा नहीं। तो ये बातें हैं, लगभग 20 से 25 नवंबर के आसपास आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। जब नवंबर वैकेंसी आएगा तो निश्चित रूप से दिसंबर लास्ट तक या जनवरी, आपको जनवरी के अंदर एग्जाम देखने को मिल सकते हैं। तो टीआरई 4 वाले जितने भी साथी हैं आप फटाफट विलंब बिल्कुल नहीं करिए, आप जो है देखिए जो 1, 2, 3 तीनों का तैयारी करते आए हैं उनकी तैयारी तो आप जान रहे हैं कि लगभग 90% ठीक होगा। वो टेस्ट उस लगाइए, आराम से क्लास उस देखते रहिए। और जो 1, 1 केवल 2 में बैठे हैं, 3 में बैठे हैं लेकिन नहीं हुआ है तो और जोरदार तैयारी करिए, तैयारी में कोई कमी नहीं करिए, ठीक है। और आप करिए, जैसे देखिए हमारे पास 2 नंबर हम लोग उपलब्ध कराते हैं, 8227871973, ठीक है, 19 8227871973। इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आप व्हाट्सएप कर लीजिए, आप टीआरई 4.0 के लिए क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे यहाँ उपलब्ध है क्या, 1-5 का बैच उपलब्ध है आपको, 6-8 का बैच उपलब्ध है आपको, 9-10 का बैच उपलब्ध है आपको, हर एक विषय का बैच उपलब्ध है। आप नंबर पर जाइए, कॉल कर लीजिए, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। बेहतरीन ढंग से यूट्यूब पर भी जाकर के लाइव सेक्शन में आप देख लीजिए, सारे क्लासेज चलते हैं, 1-2 वीडियो वहां से आप देख भी सकते हैं। फिर आप एप्लीकेशन जाइए, सक्सेस की 92 अपना एप्लीकेशन है, आप जान रहे होंगे सक्सेस की 92 आपका एप्लीकेशन है। सक्सेस की 92 प्ले स्टोर पर जाइएगा, ऐप इंस्टॉल करिएगा, अपना नंबर लॉगिन कर लीजिएगा, नंबर लॉगिन करने के बाद वहां से भी क्लास को परचेज कर सकते हैं, आप टेस्ट लगा सकते हैं, क्लास को परचेज कर सकते हैं। अभी से तैयारी में लग जाइए, आपके पास लगभग हमें लगता है 90 दिनों से 120 दिन है और 90 से 120 दिन यदि ईमानदारी से तैयारी करिएगा तो आपकी सफलता जो है निश्चित रूप से आपको मिल जाएगी। ये है आज का जो है इन्फॉर्मेशन था, जो इन्फॉर्मेशन था वो हमने सोचा कि आप तक सही सही पहुंचा दें। ये इन्फॉर्मेशन है, अगर अच्छा लगा होगा शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों तक, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसटीईटी एग्जाम की अगर तैयारी करना है तो भी आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, आप टीआरई 4 की तैयारी करनी है ज्वाइन कर सकते हैं, सीटेट एग्जाम की तैयारी करनी है क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, अभी से जो है ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। अब देखिए एक चीज और आपके मन में होगा कि सर एसटीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा, ये शायद आपने नहीं बताया। तो एसटीईटी का नोटिफिकेशन जो है हमें लगता है ये अक्टूबर में आपको देखने को मिल सकता है, 15 से 20 अक्टूबर तक देखने को मिल सकता है। तैयारी अभी से करिए, बेहतर मार्क्स लाइए, बेहतर मार्क्स जब आएगा तो बेहतर जो है आपका टीआरई 4 के लिए भी आप जल्दी से जल्दी मेहनत कर पाएंगे, समय मिलेगा, क्योंकि इसको आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, इसका जब तैयारी पूरा हो जाएगा तो टीआरई 4 की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं है, टीआरई 5 की तैयारी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, शेयर जरूर करिएगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।